नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन भाइयों के लिए जो दुबई जाके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि दुबई के लिए एक बहुत ही अच्छा डिमांड आया हुआ है। ये डिमांड कहाँ पे चलेगा, ये इंटरव्यू कहाँ चलेगा, कौन सी एजेंसी में चलेगा और क्या सैलरी है, कौन कौन सा ट्रेड है, और इस बार मैं आपको क्वांटिटी भी बताऊंगा और कंपनी का क्या नाम है। इस सारा डिटेल आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा एक डिमांड आया हुआ है दुबई के लिए। जो इंटरव्यू चलेगा आपका 10 और 11 नवंबर दिल्ली डायनामिक हाउस में। जी हाँ, डायनामिक हाउस। मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ डायनामिक हाउस का, और डायनामिक हाउस का मैं एड्रेस वगैरह भी बता चुका हूँ। तो इसमें जो डिमांड है वो है फैब्रिकेटर, वेल्डर, फिटर, और वेल्डर में भी मेग, टेग, आर्क वेल्डर, इसके बाद से आपका स्कैफोल्डर, रीगर, स्प्रे पेंटर, ब्रश पेंटर और हेल्पर। कंपनी का नाम है NPCC। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हेल्पर का सैलरी नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हेल्पर का सैलरी भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए फैब्रिकेटर चाहिए, वो 450 क्वांटिटी में फैब्रिकेटर चाहिए, और उनकी जो सैलरी है 1300 से लेके 1800 तक, 1800 दिरहम तक उनको सैलरी मिलेगा। और ये सैलरी डिपेंड करता है उनके इंटरव्यू पे कि किस तरह से वो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि सैलरी का जो क्राइटेरिया बांटा गया है वो चार पार्ट में है, ए बी सी डी। तो आपके इंटरव्यू के ऊपर आपकी सैलरी निर्भर करेगा। तो हमें जो फैब्रिकेटर चाहिए वो चाहिए 450 क्वांटिटी में, 1300 दिरहम से लेकर 1800 दिरहम तक आपको इसमें सैलरी मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कंपनी में खाना फ्री है। आप कंपनी का नाम है NPCC। दूसरा जो हमारा ट्रेड है वो है फिटर। फिटर की जो क्वांटिटी है वो भी 450 क्वांटिटी में, और जो फिटर की सैलरी है वो है 1000 से लेके 1300 दिरहम तक सैलरी ले सकते हैं, प्लस खाना पीना सब फ्री है। जो हमारा तीसरा डिमांड है वो है वेल्डर। इसमें हमें टेग, मिग और आर्क तीनों वेल्डर चाहिए, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें वेल्डर भी चाहिए। और इन जो इनका जो सैलरी है, हर एक वेल्डर का अलग अलग सैलरी है। दोस्तों जो वेल्डर 6G आर्क वेल्डर की अगर हम बात करें तो 210 क्वांटिटी है, और उनकी सैलरी का जो रेंज रहेगा 1380 से लेके 1800 दिरहम तक सैलरी रहेगा। 150 क्वांटिटी में हमें मिग वेल्डर चाहिए, और उनकी जो सैलरी का रेंज है वही सेम 1300 से लेके 1800 दिरहम तक। वेल्डर टिग वेल्डर की जो क्वांटिटी है 60 क्वांटिटी है टिग वेल्डर की, और जो उसकी सैलरी है वो है 1800 से लेके 2400 दिरहम तक, प्लस खाना पीना रहना सब कंपनी का है। इसमें चाहिए रीगर की जो क्वांटिटी है 270 क्वांटिटी रीगर का है, और रीगर की जो सैलरी है वो है 1200 से लेके 1500 तक रीगर की सैलरी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिमांड है वो है स्कैप फोल्डर। इसका 50 क्वांटिटी में हमें स्कैप फोल्डर चाहिए, और स्कैप फोल्डर की जो सैलरी है 1000 के 1500 दिरहम तक स्कैप फोल्डर की सैलरी है। इसके बाद से हमारा आ जाता है स्प्रे पेंटर। स्प्रे पेंटर की क्वांटिटी 50 है, और सैलरी का जो रेंज है वो है 1000 से लेके 1500 दिरहम तक सैलरी का रेंज है स्प्रे पेंटर का, और 50 क्वांटिटी में हमें स्प्रे पेंटर चाहिए। इसके बाद से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट डिमांड है वो है ब्रश पेंटर। ब्रश पेंटर की जो क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी में हमें ब्रश पेंटर चाहिए, और सैलरी का रेंज 1000 से 1500 तक है। ये आपके इंटरव्यू के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप सैलरी ले सकते हैं। जो उसके बाद से हमारा डिमांड है सैंड ब्लास्टर। सैंड ब्लास्टर की जो 60 क्वांटिटी में हमें सैंड ब्लास्टर चाहिए, और सैलरी का रेंज 1000 से 1500 तक। जो नेक्स्ट हमारा डिमांड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ, वो है हेल्पर का। हेल्पर हमें चाहिए 115 क्वांटिटी, और हेल्पर की जो सैलरी का रेंज है 900 से 1000 दिरहम, प्लस खाना पीना कंपनी का है। और कंपनी का नाम मैं बता चुका हूँ NPCC, और अच्छी कंपनी है। तो जो भाई, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारा डिमांड उन भाइयों के लिए जिनके पास प्लांट का अच्छा एक्सपीरियंस है, या तो गल्फ का एक्सपीरियंस हो, इंडिया का एक्सपीरियंस भी मान्य है, लेकिन प्लांट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताया है, इसमें फिटर हो, फैब्रिकेटर हो, स्प्रे पेंटर, रीगर, स्कैप फोल्डर, जो भी क्वांटिटी है, सब क्वांटिटी में हमें इस प्लांट एक्सपीरियंस जरूरी है। तो जिस भाई के पास प्लांट का अच्छा एक्सपीरियंस है वो आए इंटरव्यू दें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हेल्पर हैं वो सिविल हेल्पर नहीं है, ना ही जनरल हेल्पर हैं। वही भाई हेल्पर में जा सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत फैब्रिकेटर, फिटर या मैकेनिकल से संबंधित कोई काम आता है, तो ये डिमांड उनके लिए है। तो जो भाई हेल्पर के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दें। कंपनी अच्छी है, और डायनामिक आप सबको पता है कि ज़्यादातर फ्री डिमांड देता है और अच्छे काम कराता है, अच्छी जगह भेजता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रुकने का व्यवस्था है। तो जो भाई इस इंटरव्यू में आना चाहते हैं, या जो भाई इस कैटेगरी से काम करते हैं, या जो इस कैटेगरी से संबंधित हैं,
दिल्ली डायनामिक में आएँ और अपना इंटरव्यू दें, अपना वीज़ा को प्रोसेस करें और दुबई जाके अच्छे पैसे कमाएं। धन्यवाद दोस्तों।